तो दोस्तों, आज स्टूडियो में बात करने जा रहा हूँ एक मॉल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आप ये बॉक्स देख पा रहे हैं, इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसमें एक मैंने मॉल परचेज किया है, टेक्नो पोवा। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट पे अभी सेल चल रही थी, तो सेल में मैंने परचेज किया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी क्वालिटी कैसी होगी, और यह मेरे को बहुत ही सस्ते दामों में मिला है। तो चलिए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, फिर इसके बारे में आपको बता दें इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो मैं इस बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूँ, और ये बॉक्स मैं बता दूँ, पहले से ही मैंने खोल लिया था। तो मैंने देखा था कि इसमें मोबाइल है या नहीं, तो मैं आपको दिखा दूँ। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये मोबाइल का यहाँ पे बॉक्स है, और इसके अंदर इसका जो बिल है। तो मैं इसकी प्राइस है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो शायद आपको यहाँ पर दिख पा रही होगी, तो आप यहाँ पर प्राइस देख पा रहे हैं 7199। मेरे को ये 7200 रुपये का पड़ा है, और इसमें क्या क्या चीज़ है वो आपको पता चल जाएगी। तो आप यहाँ पे इसकी रेट देख पा रहे हो, तो मैं आपको दिखा दूँगी इसकी 12000 रुपये रेट है, और ये मेरे फ्लिपकार्ट पे सेल में 7200 रुपये में मिला है। तो उसके इसमें 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल मेमोरी है इसके अंदर। और मैं आपको बता दूँगा इसका प्रोसेसर, वो भी काफ़ी ठीक ठाक है। और एक तो इसमें बॉक्स को अनबॉक्स करके मैं इसमें ये आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मेरी बॉक्स बंद करो, तो इसमें पहले ही पर आपको हैंडसेट मिल जाता है। तो आप देख पा रहे कुछ इस तरीके का मोबाइल है, काफ़ी बड़ा दिख रहा है। और भी साथ रख लेते हैं, देखते हैं क्या। और इसमें वारंटी कार्ड है, गूगल असिस्टेंट के लिए कुछ मैनुअल वगैरह भी है, और इसमें एक चार्जर दिया हुआ है, और ये डाटा की वाले इसमें। तो मैं इसे वापस सही कर देता हूँ, मोबाइल के बारे में बता देता हूँ। तो इन चीज़ों को भी मैं साइड पर रख देता हूँ। इसमें 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल है, और इसका एक कैमरा है। बहुत कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले मैं इसे हैंडसेट को स्टार्ट कर लूँ, और इसको उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख पाओगे कि कितना बड़ा आपको मॉल दिख रहा है। तो उसको ये कुछ इस तरीके से, और इसके कैमरा क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे से कैमरा है, मैं इस बॉक्स की फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें किस तरीके से फोटो आ रही है। तो मैं आपसे इस मोबाइल के बारे में जानकारी बताने जा रहा था। तो इसके मैं बता दूँ, इसमें 4 GB रैम है और 64 GB इंटरनल है, और इसका जो प्रोसेसर है वो मीडिया टेक GSC। और इसके अगर रियर कैमरा की बात की जाए, तो इसमें एक 16 MP का कैमरा है, और 2 MP का है। और फ्रंट कैमरा की अगर बात की जाए, तो इसमें 8 MP का फ्रंट कैमरा है। और अगर डिस्प्ले की साइज़ की इसकी बात की जाए, जो इसका डिस्प्ले साइज़ है वो 6.8 इंच इसकी डिस्प्ले बैटरी है, और इसकी 6000 mAh की बैटरी है, और ये 4 वोल्ट मोबाइल है। तो इसके बारे में जो जानकारी दी गई है, जो नॉर्मल सी जानकारी है, वो मैंने इसके बारे में बताई दिया है। और ये बहुत अच्छे वैसे काम कर रहा है इसको, और इसको जो इसकी इमेज क्वालिटी वगैरह है, इसका कैसा है इसका कैमरा है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा कि कैसी इसकी क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी। तो आपको मैं जैसा आपको मैं दिखा पा रहा हूँ कि इसकी जो कैमरा क्वालिटी है वो कुछ इस तरीके की कैमरा क्वालिटी है। अगर इसकी जो बैक कैमरे की बात की जाए, तो कुछ इस तरीके का है। अगर इसकी बैक कैमरे की बात की जाए, तो कुछ इस तरीके का है, तो मैं आपको बता दूँ। और अगर इसके वीडियो क्वालिटी की अगर बात की जाए, तो मोबाइल कुछ इस तरीके की इसकी वीडियो है। तो मैं आपको शायद इससे मोबाइल है इससे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ इस तरीके की इसकी वीडियो क्वालिटी है। तो सेल्फी इसकी कैसी क्या क्या आती है, तो मैं आपको उसके बारे में मैं आपको बता दूँगा किस तरीके के इसके फ़ोटो। तो जो इसके जो फ़ोटो मैं इसके जो मोबाइल है उसी वीडियो में डाल दूँगा, अगर किस तरीके के इसके फ़ोटो आएँ, बाहर वाले फ़ोटो और अंदर के जो भी आए होंगे, तो मैं आपको इससे मैं सब पूरी जानकारी आपको बता दूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये मोबाइल आपको परचेज करना है, तो शायद आप तो शायद इसकी जो सेल है वो चल नहीं रही हो, और ये मुझे सेल में 7200 रुपये में पड़ा था, और शायद 7200 रुपये में ऐसा मोबाइल मिलना संभव है, और ये मुझे सेल में मिल गया था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।